आज हम क्रिस्टल का झूमर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए लगने वाली सामग्री है, एक रेडीमेड प्लेट आती है, इसको छेद बनी करते हैं। उसके साथ में क्रिस्टल के ऑरेंज कलर के मणि, क्रिस्टल की ये लटकन, व्हाइट क्रिस्टल और ये नली, सुई धागा, वायर और एच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हमें सबसे पहले एक वायर का टुकड़ा काटना है, उसमें हम ये लटकन को थोड़ा बांध देंगे। अब इसमें क्रिस्टल को रखेंगे, बाद में एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टल, फिर एक व्हाइट कलर का मोटा वाला क्रिस्टल, फिर से ऑरेंज कलर, और इस नली की हमने तीन पार्ट में काटा है इसको इस टाइप से। एक छोटा पीस हम इसमें डालेंगे। इस प्रकार हमें सारी लड़ियां बना के रखनी है। ये हमने क्रिस्टल पीरो की एक एक माला लड़ी तैयार करी है। हर माला के बाद में ये एक पिरोने के बाद दूसरे इसमें ऊपर में नली के नीचे एक क्रिस्टल डाला है, तीसरे इसमें चार क्रिस्टल डाले हैं। ऐसे करते हुए तीन तीन क्रिस्टल हमने बढ़ाए हैं। चार के बाद यहाँ हमने सात क्रिस्टल डाले हैं, इसके बाद में दस क्रिस्टल डाले हैं, दस के बाद में तेरह डाले हैं, तेरह के बाद में सोलह डाले हैं, सोलह के बाद में उन्नीस डाले हैं, उन्नीस के बाद तेईस डाले हैं और आखिरी की लड़ी में पच्चीस क्रिस्टल डाले हैं। नीचे का पोर्शन सब एक समान है, सिर्फ ऊपर में हमने क्रिस्टल बढ़ाए हैं। चलिए अब हम इन्हें जोड़ना शुरू करते हैं। इस प्लेट को, ये जो बीच वाले जो छेद है इसमें हम इसको जोड़ेंगे। ये कुछ नली के एकदम छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, ये ऊपर से बांधने को लगेंगे। अब हम इस प्लेट के कोई भी एक छेद लेंगे, वहां से शुरू करेंगे। जैसे मैं अब यहाँ आ रही हूँ, इसमें डालने के बाद, ये ऊपर आने के बाद में इसमें हम ये छोटी क्रिस्टल की नली का टुकड़ा डालेंगे और इसी में से वायर को वापस बाहर निकालेंगे। वायर को फिर इस उंगली में से निकालते हुए स्टोन के पास मिलाएंगे ताकि इसकी फिटिंग अच्छी हो जाए। स्टोन के पास हमने निकाला है इसको, इसको अच्छे से खींच के टाइट फिट कर दें, इसमें गांठ लगा देंगे। ये होता लगता है। इसी प्रकार अब हम दूसरा लेंगे। ये 15 इंच तार के चार टुकड़े काटे हैं और एक टुकड़े में एक क्रिस्टल पिरोना है, एक क्रिस्टल बीचों बीच लाके बीच में लाके इसको फिर हम थोड़ा सा फोल्ड कर दे देंगे। अब हम कोई भी एक छेद में से इस तार को बाहर निकालेंगे। अब इस ये बीच की बीच का जो छेद है इसके हाइट तक हमको क्रिस्टल पिरोना है। ये क्रिस्टल पिरोके हो गया है। इस प्रकार हमें चार साइड में क्रिस्टल पिरोना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ताकि ये बैलेंस पकड़ सके। अब ये चारों तारों में हमने 10-10 क्रिस्टल पिरोए हैं, इनको एक जगह लाना है।
दो मिनट डाल के हमने यहाँ पे इसको पैक कर दिया है। अभी दोनों साइड के तार एक को एक लपेट के इसका हैंगिंग करना है। इस प्रकार से हमारा ये हैंगिंग तैयार हो गया है।